बड़ो बहू। तितली थारी शादी मैं जालिम सिंह से ना होने दूंगा। चलो फिर सगाई के रस्म शुरू करते हैं। अब आप तैयार हो जाइए हमेशा हमेशा के लिए भारी होने के वास्ते। वो जालिम सिंह चल तितली। पर अगर आप तितली ना हो तो फिर सर तितली गई कहाँ? तुमने देरा है मारा कितना नुकसान। ऊपर तो पूरा गम मारी मजाक उड़ाया। इब नंबर वन मने गांव वाले कदे भी नहीं मान सकते और बड़ो को करता ही छुपा कर रखूंगी मैं। तितली कहीं मिली ना रही है, पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं दिखाई ना दे रही है वो। क्या? वहीं रुक। कहाँ? जो मुच्छर सिंह ना मुझे अगवा करके लेकर आया था घर था। कौन था रे तू? पता तो चले आखिर इसने तुझे अगवा किया क्यों? लख। जालिम सिंह तने उस बकरूपियों को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत ना से है। रघुवीर सिंह जी खुद उस गुनाहगार को पकड़ के ला रहे थे। जालिम सिंह ये रहा तेरा गुनहगार। लखा सबको सच सच बता दे क्या बात है। सच तो बताना ही होगा मालती बहन, और वो भी सारे पंचायत के सामने। पंचायत तो कल बैठेगी, पर यो लाखा का फैसला आज ही होगा और मैं सुनाऊंगा इसकी सजा। रघुवीर जी इबियो बात बातों से आगे बढ़ चुकी से। तू कहना क्या चाहता है संग्राम सिंह? यही लाखा ने बहुत बड़ा बवाल किया से, हरी सगाई से दुल्हन को अगवा किया से। यो कोई मामूली बात ना से। इस मामले में सजा का फैसला गांव के पंच करेंगे। अब की बात आपको यो डांट डपट करके दो चार झापड़ लगा के मामले को रफा दफा करने ना दे देंगे। अच्छा तो इस मामले पे भी फैसला सारा गांव मिलकर ले वे। ठीक सर, पर यो फैसला लेने वाले आप कौन हो सो? यो मामला आपके घर का तो फैला ना। यो मामला तो रघुवीर बापू जी के घर का से। तो इस मामले में आप कौन हो सो यो फैसला लेने वाले के कौन फैसला लेगा कौन ना लेगा? अरे एक बात और बता दूं मैं आपने, इस मामले में आप बीच में ना अपने आप ने लेकर आओ ना तो आपके स्वास्थ्य के लिए घना बढ़िया होगा। भलाई का तो जमाना ही ना रह गया से। देखो 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 जिस छोरी को बचाने के लिए मैंने इतनी भागदौड़ मचाई से वो छोरी मन नहीं आप दिखा रही से। तो सुन ले छोरी, इब यो मामला थारे और रघुवीर सिंह जी के परिवार का ना रह गया से। हे भोलेनाथ, मन ने घनी बेचैनी हो रही है। लखी जी की रक्षा करना भोलेनाथ। लखी जी यो क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? लाखा कैसे गुनहगार हो सकता है? हुआ यही है मालती, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा से। ये देख इसको, इसके हुलिये को देख, इसके कपड़े देख, और कितने सबूत चाहिए तेरे को? देखो भाइयों, यहां सब लोग ये जाने से और माने भी से रघुवीर सिंह जी कभी झूठ ना बोले से, इसलिए वो जो कुछ भी कह रहे से बिल्कुल सच से। ना, मैं ना मानती हूँ सर। यू कैसे हो सकता है? लाखा बेटा क्या सच है बोल देना बेटा।
सच तो बताना ही होएगा मालती बहन, और वो भी सारे पंचायत के सामने। बस संग्राम सिंह बस, पंचायत कल बैठेगी और यो लाखा की सजा का फैसला तो आज ही होएगा। इतले इतले, अरे कब से पुकार रहा हूं, तने सुनाई ना देता क्या? माफ करियो बापू, मारा ध्यान ना था, सुना ना मने। छोरी इतना सब कुछ हो गया, तू यहाँ पराठे बना रही है, थारा ब्याह टूट गया है। बापू मने यू ना समझ आ रहा कि आप यह बात क्यों ना समझ रहे कि मारा ब्याह टूटा ना सा, बल्कि मने अपने आप तोड़ा सा। और मैं उस चीज से घनी खुश हूँ, और ये पराठे भी मैं लाखा के लिए बना रही हूँ, आके आपके लिए भी बना दूंगी। छोरी तारे समझ में ना आ रहा, इब भी तू लाखा लाखा कर रही है, जिसकी वजह से तारा भविष्य अधर में लटक गया से। ना बापू, बल्कि जी मारा भविष्य अधर में लग गया होया था ना, जी मारा भविष्य दांव पर लग गया होया था, उस समय मारा दोस्त लाख आया था जिसने हमारी मदद करी थी। अरे बावड़ी हो गए क्या? सारे गांव के पंच मिलके उसको सजा देने वाले हैं, और हो सकता है कि उसको गांव से निकाला ही दे दे। आज तो गजब ढा दिया आपने प्रेमिका जी, कमाल का आइडिया था। मैं तो बोलता हूँ अपने ऐसे जलवे बिखेरते रहो, पैसों की बारिश कर दूंगा। तो आपको ये लगा तेजी जी कि आज जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ एक पैंतरा था वरदान जी को रिझाने का? मतलब आप वरदान को रिझा नहीं रही थी, वाकई में आप वरदान पे फिदा हो गई हैं? वही मैं सोचूं, ये तुम्हारा प्लान ही नहीं था, आपने तो तेजी को ही क्रेजी कर दिया। पर चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, मुझे पता था कि वरदान आपकी मदद जरूर करेगा, और इसीलिए आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती होने दी, है ना? अरे रखिए आपके पैसे, नहीं चाहिए मुझे। मतलब अब आप ये काम नहीं करेंगी? नहीं, क्योंकि ये काम काम नहीं रहा, मैं बरदान जी के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बरदान जी बहुत ही नेक इंसान है, अगर वो एक बार मेरी जिंदगी में आ गए तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तुम दोनों को ज्यादा कुछ बोलने की कोई जरूरत ना से, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाना, ठीक है? तो ध्यान से सुनो हमारी बात, कल के कल ही बड़ों की वापसी होगी, तो इसीलिए ठीक जहां से बड़ों को तुम दोनों ने उठाया था उसी जगह पे बड़ों को छोड़ दियो, और वो भी बेहोशी की हालत में, ठीक है? समझ गए। पंचायत ने अपने फैसले में लाखा को दोषी माना है, कहीं ना कहीं तितली भी इस गुनाह में भागीदार रही है, इसलिए पंचायत ने ये फैसला लिया है कि सिर्फ लाखा को ही सजा नहीं मिलेगी, तितली को भी दोषी माना है और उसे भी सजा मिलेगी। लाखा ने जो गुनाह किया है उसको ध्यान में रखते हुए एक साल के लिए गांव निकाला दिया गया है। पंचायत गांव के किसी भी इंसान को सुनेगी उसके साथ तितली को क्या करना ही पड़ेगा। रिटायर्ड आईजी श्याम मोहन तिवारी, मैक मेरा भतीजा है। ओह माय गॉड, आप मनमोहन तिवारी जी के चाचा? शंचू, तुम्हें हमसे लड़ने में भय लगता है?
दोनों को अभी तक बालक समझ के छोड़ता रहा, किंतु अब तुम जीवित नहीं बचोगे। शंखचूर की महाशक्तियों के समक्ष गोपियों को छुड़वाने में बलराम तथा कान्हा होते हैं असमर्थ। अपने बल का प्रयोग कर गोपियों को विवाह के लिए बाध्य करता है शंखचूर। कैसे बचाएंगे कान्हा शंखचूर के क्रोध से बलराम तथा गोपियों को? बताइए ना सबको, आपकी शादी किसके साथ हुई है? हमसे हुई है इनकी साथी, वो हमारे हस्बैंड और हम उनकी वाइफ है। भोला सिंह अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर है। मैडम जी, भैया जी ने आपको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और आपने भैया जी को ही अरेस्ट करवा दिया।